Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So, we have already started our fourth chapter, that is change in profit sharing ratio. And in that, we have calculated the gaining ratio, sacrificing ratio, the treatment of goodwill, reserves, investment fluctuation reserve, workmanship reserve. So, that are the effects which came after the change in profit sharing ratio. So, today, we will discuss about the changes that take place on the assets and liabilities of the business on change in profit sharing ratio. It means that जब हमारी profit sharing ratio change होती है तो उसका क्या effect हमारे assets और liabilities के ऊपर पड़ता है. तो आज हम वही topic करेंगे. तो let's start. जो हमारे assets हैं वो revalue की जाते हैं, जो हमारी liabilities हैं उन्हें दोबारा से assess किया जाता है. मतलब कि हमारे assets और liabilities की दोबारा से valuation होती है. एंड द गेन और लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम इट, कोई भी गेन हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है, उसे हम क्रेडिट या फिर डेबिट कर देते हैं हमारे पार्टनर्स के अकाउंट में. मतलब कि जो भी इन एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की रीअसेसमेंट के बाद जो नेट अमाउंट आती है वो पार्टनर्स की, जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन देयर ओल्ड रेशियो. So, the reason why revaluation of assets and reassessment of liabilities is done is that कि जो भी हमारे पास assets और liabilities, जो भी हमारी जिस दिन तक हमने profit sharing ratio में change किया है, अगर उस date के पहले अगर हमारे assets और हमारी liabilities में कोई भी increase या decrease है तो हम उन्हीं चेंजेस को एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर जो हमारे पास नेट जो हमारे लेटेस्ट पोजीशन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग फर्दर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, फर्दर हम अपने बिजनेस का काम करते हैं. यानी कि हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लेटेस्ट फिगर चाहिए एट द टाइम जिस दिन हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हुई है. तो उस दिन तक हमारा जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है हमें वो चाहिए. और उसमें जब हम चेंजेस देखेंगे कि या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होंगी हमारी एसेट या लाइबिलिटीज़, उसके बाद हमें कुछ इफ़ेक्ट मिलेगा कि कई बार हमें प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं, लॉसेस भी मिल सकते हैं, और जो भी प्रॉफिट लॉसेस होंगे हम अपने पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. तो इसको रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट को करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है. तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और साथ में हम इधर जनरल एंट्रीज पास करते जाएंगे. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा आप लोगों का. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स then rupees particulars rupees. ठीक है जी, start करते हैं with this topic. So as per this topic हमारे पास ये फर्म के पार्टनर्स ने डिसाइड करना है कि क्या उस फर्म के पार्टनर्स ने इन रिकॉर्डेड चेंजेस को जो हमारे एसेट और लाइबिलिटीज़ में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है क्या उन्होंने इसे रिकॉर्ड करना है बुक्स में या नहीं रिकॉर्ड करना है. तो अगर रिकॉर्ड करना है तो क्या करना है, अगर नहीं करना तो उसका डिफरेंट पैटर्न होगा. तो आज हम करेंगे कि जब हम इन रिकॉर्डेड इन रिवाइज्ड फिगर्स जो हमारे एसेट और लाइबिलिटीज़ की हैं अगर हम उन्हें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हम उन चेंजेस को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास सबसे पहले सिचुएशन होगी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़. जब हम एक अकाउंट में बनाते हैं तो उस अकाउंट को बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, और दिस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है जी,
तो जो ये हमारे पास अकाउंट है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी माना जाता है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम नेट प्रॉफिट से निकालते हैं कि हमारा क्या इफेक्ट पड़ा है। तो अगर इस अकाउंट का कहना है कि अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं तो उन्हें हम कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, ठीक है जी। एंड इन द सेम वे अगर हमारी एसेट्स जो है कम हो रही हैं और लाइबिलिटीज़ जो हैं इंक्रीज़ हो रही हैं तो उसे हम कर देंगे इस अकाउंट में डेबिट। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर तो हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं तो हम क्या कर देंगे क्रेडिट, और अगर हमारे एसेट्स जो हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो हम क्या कर देंगे डेबिट। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी की एंट्री पास कर देंगे। तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें या तो प्रॉफिट पता लगेगा या लॉस पता लगेगा, और जो भी प्रॉफिट लॉस पता लगेगा हम उन नेट प्रॉफिट और लॉसेस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे, तो हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं हम पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री वी आर हैविंग, अगर हमारी इंक्रीज हो गई है एसेट, अगर हमारे एसेट्स जो हैं इंक्रीज हो गए हैं तो हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए हैं तो एसेट ही बढ़ गए हैं, एसेट डेबिट होते हैं, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये किधरली साइड आ जाएगा बाय एसेट्स। तो ही मैंने बोला था कि अगर एसेट इंक्रीज कर रहे हैं तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सेकेंड एंट्री हमारे पास है डिक्रीज इन एसेट्स। एसेट हमारे पास डेबिट होते हैं लेकिन अगर एसेट हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो हर एक एसेट को हम क्या कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऑपोजिट करके क्रेडिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो अगर हमारे पास ए बी सी डी इतने ए बी सी डी चार एसेट है तो यहाँ पे हम एसेट अकाउंट में लिखेंगे टू ए एसेट, टू बी एसेट, टू सी एसेट, टू डी एसेट, वैसे लिखेंगे इंडिविजुअली पोस्ट करेंगे। तो अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो डिक्रीज है वो क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू डिक्रीज इन एसेट्स, डन। थर्ड एंट्री हमारे पास है फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, अगर हमारी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, वी ऑल नो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट ही रहेगा, तो हम क्या कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। तो ही मैंने पहले बोला था एसेट डिक्रीज हो गए लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ये एंट्री पोस्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट एंट्री हमारे पास सेम है, अगर हमारे लाइबिलिटीज जो हैं वो डिक्रीज हो गई हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है तो ऑपोजिट एंट्री पास हो जाएगी, दैट इज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो ये इधर एंट्री पास हो जाएगी बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ये बहुत सिंपल वे है याद रखने के लिए, रेदर देन राइटिंग टू बिग लाइन्स पेपर में ना ये एरो बना के आ जाना, यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपको याद करवा रही हूँ कि कैसे आपको याद रखना है इस टॉपिक को। देन फिफ्थ एंट्री हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई एसेट अभी रिकॉर्ड नहीं करा है और हमें रिकॉर्ड करना है किसी एसेट को, रिकॉर्ड एन एसेट, तो हमारे पास एंट्री क्या पास हो जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट
जो एसेट अभी अनरिकॉर्डेड है उसका नाम लिख देंगे, अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वो एंट्री हमने एसेट रिकॉर्ड कर लिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिए बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? फॉर रिकॉर्डिंग एन अनरिकॉर्डिंग लाइबिलिटी। अगर हमें किसी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड एन लाइबिलिटी, तो एंट्री क्या होगी हमारे पास? व्हाट विल बी दी एंट्री? तो ऑपोजिट एंट्री पास हो जाएगी क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम एंट्री पास करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पे टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास होगी, अगर हमारे पास, ये तो हमारे पास तीन इधर एंट्रीज आ गई कि एसेट में डिक्रीज आ गया, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी। एसेट इंक्रीज हो गए, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी या अनरिकॉर्डेड एसेट हो गए। लेकिन इफ इसके बाद अगर हमें किसी भी पार्टनर को रेमुनरेशन देनी है तो वो सीधा रेमुनरेशन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स को देना है, लेकिन फॉर्म का पैसा निकल गया है, तो हम यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या हुई? अगर हमने पार्टनर्स को रेमुनरेशन देनी है तो एंट्री विल बी डायरेक्ट रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी रेमुनरेशन की एंट्री, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सपेंसेस में सेवेंथ एंट्री आपकी है एक्सपेंसेस की। अगर तो जो इस रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट के दौरान जो भी ये खर्चा है, अगर तो उस रीअसेसमेंट का जो खर्चा है पार्टनर पे कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर जो ये मैंने क्या एंट्री पास कर दी, ये जो एंट्री है यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हम रेमुनरेशन की एंट्री बना देते हैं, ये हमारी पेंडिंग है कि जिस पार्टनर को रेमुनरेशन दी है उसकी एंट्री पास कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम एंट्री पास करेंगे, जो कोई भी रीवैल्यूएशन के ऊपर होने वाला खर्चा, अगर तो वो खर्चा हमारी फर्म पे कर रही है, इनकर्ड एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, तो हम डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे, किसी पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो तब हमारे पास जो एंट्री पास होगी एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन, दैट विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री पास हो जाएगी टू कैश और बैंक अकाउंट। ये क्या है हमारे पास? एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन पेड बाय दी फर्म। अब ये हमारे पास इससे ज़्यादा और कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास एक एंट्री बचेगी, या तो हमारे पास बैलेंस गेन आएगा, प्रॉफिट आएगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो इस साइड आएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, या फिर हमारे पास लॉस आ सकता है बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। That will be transferred to partners capital account. तो यहाँ पर लिखेंगे transferred
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमारा जो ये बैलेंस है वो टैली हो जाएगा, हम इसको बंद कर देंगे अकाउंट को। तो अब इस ट्रांसफ़र एंट्री की क्या, जो ट्रांसफ़र बैलेंस का ट्रांसफ़र होगा उसकी क्या एंट्री पास करेंगे? नाइन्थ एंट्री विल बी, अगर तो प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये डायरेक्टली तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर ये क्या है, गेन है, और अगर गेन है और पार्टनर्स को किस रेशियो में हम देंगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को दे देंगे। लेकिन अगर लॉस है तो हमारी एंट्री के पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ से हमें लॉस पता चला है, और लॉस को भी हम पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास पूरा टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो अब हमें देखना है कि जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया है, प्रिपेयर किया है, तो जो उसमें एसेट की वैल्यूएशन इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, तो जो एसेट की ड्यू वैल्यू है, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो उसके बाद जब भी दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बनेगी तो हम एसेट्स को उनके रीवैल्यूड वैल्यू पे नोट करेंगे बैलेंस शीट में। मतलब कि अगर यहाँ पे हमारे एसेट बढ़ गए हैं और उसमें 10,000 इंक्रीज हो गए हैं, 1,00,000 के थे तो 1,10,000 के हो गए हैं, तो जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो उसके बाद जब पहली बार बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम उन उसको एसेट को रिकॉर्ड करेंगे एट रुपीज़ 1,10,000। सो दिस इज़ द होल टॉपिक ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एंड टुमारो वी विल डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। सो सी यू टुमारो, थैंक यू।